सो अनफॉर्चुनेटली द वीडियो गॉट स्टक इन बिटवीन, सो आई हैड टू मेक इट इन टू टू पार्ट. सो दिस पार्ट टू ऑफ द ज्योमेट्री लेक्चर इज गोइंग टू बी, आई हैव मेंशनड इट लाइक 1/2 एंड 2/2, सो यू गाइज कैन नो दैट दिस इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड हाफ ऑफ द पार्ट. ओके, सो या सो आई वॉज डिस्कसिंग समथिंग रिलेटिंग टू द टॉपिक ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज दिस इज अ टॉपिक दैट इज आस्ड. ओके, सो आई विल नॉट मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन इट. बहुत छोटा सा टॉपिक है, चिंदी से आपको बस एक बार इस चीज़ को समझना है जो मैं कह रही हूँ. देखो, अगर एक सर्कल है ना, उसके अंदर एक क्वाड्रिलेटरल एंड फिक्स्ड है विद इट्स डायगोनल्स. ओके, तो क्या होगा कि जो ये वाले एंगल्स होंगे ना, दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है, और इनकी वैल्यू 180 डिग्री होती है. ठीक है, ये भी 180 डिग्री होगा, ये भी 180. सिमिलरली ये भी 180 डिग्री होगा और ये भी 180 डिग्री होगा. ठीक है, तो बेसिकली ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, तो सारे 180 होंगे, तो उसका सम क्या हो जाएगा, 360 डिग्री. ठीक है, तो यहाँ पे 360 हो जाएगा और यहाँ पे भी 360. ठीक है, ऑल्दो ये 180 मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, आपको ये चीज़ समझनी है. वैसे तो ये 90 90 180 और ठीक है, ऐसे ऐसे होंगे 320 और 360. ठीक है, 90 90 पे बनते हैं ये एक्चुअल में. अगर ये मान लो 180 दिया हुआ है, तो ये और ये इक्वल होंगे, ये और ये इक्वल होंगे. ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आपको थ्री ऑल्टीट्यूड्स दे देते हैं और उनसे पूछ लेते हैं कि आप इसमें से बता दो इन रेडियस बता दो, जैसे कि ठीक है इन रेडियस पूछ लेंगे. तो इन रेडियस कैसे बताएंगे आप, आपको थ्री ऑल्टीट्यूड्स दिया है, तो इन रेडियस की वैल्यू होगी 1/r इज इक्वल टू 1/h1, विच इज गोइंग टू बी ऑल्टीट्यूड h1 h2 एंड h3. ओके, प्लस 1/h2 प्लस 1/h3. ठीक है, ये वाली बात हो गई आपकी क्लियर. ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. ये चीज़ हो गया क्लियर. अब हमारे पास है अगर ए भी आता है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, एक सर्कल है मेरे पास. ठीक है, इस सर्कल में अंदर है एक पॉइंट ओ है, यहाँ से ऐसे लाइन जा रही है, इस तरीके का फिगर बन रहा है. ठीक है, अगर जो सर्कल है, इसके जो सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बनता है और इस सेंटर पे एंगल बनता है, तो जो सर्कमफेरेंस पे एंगल होगा अगर थीटा है, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा उसका ट्वाइस होएगा हमेशा. ठीक है, जो सर्कमफेरेंस का होगा एंगल एंगल इज गोइंग टू बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सर्कमफेरेंस एंगल सेंटर में. ठीक है, सेंटर का इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सर्कमफेरेंस एंगल. ठीक है, सॉरी अबाउट द कैमरा, कर देता है थोड़ा. ठीक है, इतना हो गया क्लियर. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं. ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि आपको समझ नहीं है, जो कि मैं बता रही हूँ. ठीक है, ये वाले कंसेप्चुअल थिंग्स हैं, तो कंसेप्चुअल थिंग्स अगर आप लोगों को क्लियर हो जाएगी, तो आपको बाकी काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो आप सूदिंग स्टडीज़ YT चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए अभी. ठीक है, बहुत मोटिवेशन मिलती है कि और न्यू वीडियोस बनाएं और अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए कंटेंट लाए हम लोग. अच्छा, थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो जब हम कॉन्ग्रुएंसी की बात करते हैं, तो कॉन्ग्रुएंसी में बेसिकली होता क्या है कि कॉन्ग्रुएंसी में ऐसा हो सकता है कि आप आपको पता ही है बेसिकली कौन कौन से होते हैं, जैसे कि एंगल एंगल साइड 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 साइड. ठीक है, साइड एंगल साइड. आपका एक RHS कॉन्ग्रुएंसी भी होता है, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड. ओके, सो इसमें बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल, दो दो राइट एंगल ट्रायंगल के बीच में प्रूव होती है.
है ना, तो ये चीज़ें हम लोगों ने बचपन में सीखा है, आई डोंट थिंक आपको बताने की ज़रूरत है। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप एंगल एंगल साइड साइड से टेल ले रहे हैं, तो ये जो इसका सीक्वेंस है ना, किस सीक्वेंस में जा रहा है कि पहले साइड है फिर एंगल है फिर साइड है, तो आपको इसी तरीके से वो चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस शुड भी सेम, ऐसा नहीं है कि कहीं का भी साइड है कहीं का भी एंगल है, नहीं, इट नीड्स टू बी इन अ सीक्वेंस। अगर ये वाली साइड है, ये वाला एंगल इक्वल है, ये वाला साइड है, तो ये तभी साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी बनेगी। इस तरीके से होता है, ठीक है, जो आपका ऑर्डर फॉलो हो रहा है वही ऑर्डर आप लोगों को आगे भी चलाना होगा। ठीक है, चलिए, आई डोंट थिंक आप लोगों को उसमें जाने की ज़रूरत है। आपको मैं भी एक इम्पॉर्टेंट गोल्डन रेशो बताती हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। तो गोल्डन रेशो में क्या है कि अगर आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इसमें बेसिकली कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी के रूल्स लगते हैं। ठीक है, तो मान लो ऐसे है, ठीक है, और ये 90 पे है, तो अगर ये 90 का है, राइट एंगल टू एंगल है, ठीक है, तो अगर ये वाला थीटा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना, ये चीज़ आप लोगों को समझ आती होगी। ठीक है, अब हमें क्या करना है बेसिकली, जैसे कि सबसे पहले तो हम नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। अब आपसे पांच चीज़ें कोई पूछेगा, ठीक है, पहली चीज़ पूछेगा कि ए बी का स्क्वायर की वैल्यू बताओ, तो ए बी का स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ए डी। ठीक है, क्या हो जाएगी, ए डी इंटू ए सी। ठीक है, ऐसे ही अगर कोई आपसे बी सी का स्क्वायर पूछ ले तो हो जाएगा सी डी इंटू ए सी। ठीक है, तो ये दो तो एक जैसे लगते हैं। तीसरी बात जो आपको समझनी है वो ये है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि मान लो जैसे ये वाली साइड पूछ ले सी डी क्या है, ठीक है, तो सी डी हो जाएगा आपका क्या, बी सी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर अपॉन में ए सी। और ऐसे ही अगर आपसे कोई पूछ ले कि बी डी क्या है, बी डी क्या है, ये है बी डी, बीच वाला है ना, बीच वाला है बी डी, तो आप इसको कैसे बताओगे, इसको आप बताओगे ए बी इंटू ए सी अपॉन में, नहीं सॉरी, ए बी इंटू बी सी अपॉन में ए सी। ठीक है, ए बी इंटू बी सी अपॉन में ए सी। ठीक है, फिफ्थ चीज़ जो आप लोगों को समझनी है, ठीक है, इतना हो गया। और आपको जो पांचवी चीज़ बतानी है, मैंने क्या क्या बता दिया आपको, बी डी बता दिया, आपको सी डी का स्क्वायर भी बताना पड़ेगा, चार ही रखो, चार ही बात है, ये सब बातें आपको याद कर लेनी है। ठीक है, गोल्डन रेशो पक्का पक्का आएगा, और इसमें से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं वो लोग। ठीक है, थोड़े से लाइंस एंड एंगल्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, ऑल दो आप लोगों को पता होंगे, बट आई थिंक दैट नीड्स टू बी जस्ट रिवाइज्ड अ बिट, ओके, जिससे कि आपको थोड़ा सा रिविजन हो जाए। ठीक है, अगर मान लो एक लाइन है और दो लाइन उसको ट्रांसवर्सली काट रही हैं, तो ये मैं एंगल्स का नाम दे देती हूँ। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ। ठीक है, तो जो एंगल वन होगा बाहर वाला, ये एंगल 5 के इक्वल होगा, आई एम जस्ट राइटिंग ऑल द डिटेल्स, ओके। एंगल 2 जो होगा ये एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 4 जो होगा ये एंगल 8 के इक्वल होगा, और एंगल 3 जो होगा ये एंगल 7 के इक्वल होगा। ठीक है, पहली बात तो ये है, और ये हो गए आपके द एंगल्स दैट आर लाइंग ऑन द सेम साइड। उसके बाद है आपका, दूसरी चीज़ है आपका कि एंगल 3 वुड बी इक्वल टू एंगल 5। ठीक है, एंगल 3 वुड बी इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 वुड बी इक्वल टू एंगल 6। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स,
ठीक है। और एक चीज़ होती है आपकी कि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6। ये होता है, ये तो ऑल्टरनेट थे, यहाँ पे ये होता है आपके इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी बेसिकली। और जो इंटीरियर का होता है इसका सम 180 डिग्री भी होता है, ये भी लिख लेना, ये मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। ठीक है, 180 डिग्री होता है इनका सम, इंटीरियर एंगल्स का सम इज़ ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। ये चीज़ बहुत लोग भूल जाते हैं। ठीक है, एक आपको एक थ्योरम बतानी है, मेरे को थ्योरम बतानी है। अगर मान लो आपसे ऐसे तीन लाइन्स हैं, मान लो तीन पैरेलल लाइन्स हैं और दो उसको इंटरसेक्टिंग लाइन्स आ गई। ठीक है, थोड़ा सा इसको नीचे कर देता है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे कि मैं इसको मान लेती हूँ, यहाँ ये है आपके पॉइंट्स P, Q। ठीक है, ये दोनों पॉइंट्स हैं आपके R, S और ये दोनों पॉइंट्स हैं आपके R, S, T, U। ठीक है ना, तो ये है X, ये है A, ये है B, ये है Y, जैसे कि। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा कि ये वाला और ये वाला, तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि मिडिल में आर एस जो है इसकी वैल्यू क्या रहेगी, तो इसकी वैल्यू रहेगी आपकी बी, सॉरी मैंने उल्टा बना दिया, ये इधर जाएगा और ये इधर आएगा, ये हटा दे, क्रॉस रिएक्शंस, बी एक्स प्लस ए वाई, बी एक्स प्लस ए वाई अपॉन में ए प्लस बी। तो ये भी आपको एक थ्योरम याद कर लेनी है। ठीक है, तो गाइज ये था आज का वीडियो। ठीक है, तो हमने बेसिक्स, हमने सब चीज़ें कर ली हैं। अब मेरा सिर्फ जो आपको पढ़ाने वाला टॉपिक रहता है वो रहता है सर्कल्स। ठीक है, तो सर्कल्स हम लोग कवर कर लेंगे और उसके अलावा जो भी अदर्स में आपकी चीज़ें आएंगी, ठीक है, उनका हम अलग से वीडियोस बना देंगे। तो अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो गाइज जस्ट गो राइट नाउ एंड सब्सक्राइब टू द चैनल सूदिंग स्टडीज YT एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल इफ यू वॉन्ट न्यू अपडेट्स। एंड ऑल्सो यू गाइज कैन Also, you guys can of course consider subscribing the channel. Leave a like for me if you understood it well and share it with your friends who need it. So thank you so much guys. Have a very nice day. Bye.